वेलकम एवरी वन दिस इज़ प्रेम कुमार चार्ड अकाउंटेंट सवाल आज का ये है कि क्या नंबर ऑफ़ इंपॉर्टेंस रखती हैं इन चार्ड अकाउंटेंस जर्नी इन सी ए क्या नंबर ऑफ़ नंबर ऑफ फेलियर्स सी आपके करियर पर इम्पैक्ट पड़ता है और अगर पड़ता है तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है ये सवाल आप लोगों ने मुझसे बहुत पूछे इन द कामेंट्स कि सर अगर हमारी अटैम्प्ट नहीं निकल रही है हम फेल हो रहे हैं मल्टीपल टाइम्स तो क्या उससे हमारी आर्टिकलशिप पर फ़र्क पड़ेगा क्या उससे हमारी जॉब पर फ़र्क पड़ेगा लोकली एज वेल एज फॉरन मेम इटली जाना है यू के यू एस जाना है कहीं भी जाना है तो क्या वो हमें जॉब देंगे अगर हम फर्स्ट क्वालिफाइड ना है तो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर मैं इसका सिंगल आंसर नहीं दूंगा ऑफकोर्स इंपॉर्टेंस है नंबर ऑफ अटैम्प्ट की पर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आपकी जर्नी के हिसाब से कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है और उसकी इंपॉर्टेंस जो है नंबर ऑफ अटैम्प्ट की कहाँ पर बढ़ती है कहाँ पर कम होती है उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है राधर देन गिविंग के ब्लैंकेट स्टेटमेंट के हाँ या ना ठीक है तो स्टेटमेंट टू द एंड बाकी माइक मैंने चेंज किया है तो आप मुझे जरूर बताएं कि ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव हुई है या नहीं अभी मैंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट किया विदाउट गेटिंग एनी रिटर्न फ्रॉम यूट्यूब बट स्टिल लेट मी नो कि क्वालिटी कैसी है माइक की ओके सो नंबर ऑफ अटैम्प्ट और स्टार्ट अकाउंटर्स जर्नी बाकी स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं इसी से वाले स्पेशली अगर अगर देखना चाहें तो, तो देखो इन बिगिनिंग अगर आपको स्टार्ट में लग रहा है कि यार मैं फर्स्ट अपना जो बिगिनर लेवल दे रहा हूँ फाउंडेशन बोल लो या पाकिस्तान में ए एफ सी बोलो कोई भी आप लेवल जो है वो आप दे रहे हो तो आपको उस टाइम पर अगर बहुत ज़्यादा अटैम्प लग रही हैं तो सिंपल सी बात है भाई सी आपके लिए नहीं है एंड uh, अगर आपने हाफ सीरीज हाफ सी सीरीज रिशेंटली देखी तो उसमें भी एक बात दिखाया जाता है कि यार यू कैन लीव इट अगर आपके लिए नहीं है वो तो अगर आपको इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट लग रहे हैं टू तो पास एक दो अटैम्प मुनासिब है एक्स्ट्रा बट बॉट इफे टेंगे मोर दैन इट्स नॉट फॉर यू लाइक सिंपल एज दैट नथिंग डी मोटिवेशनल जस्ट बेसिक रियलिटी अगर आपको स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टीज हो रही हैं तीन चार एक्स्ट्रा अटैम्प लग रही हैं इन द फर्स्ट स्टेज जस्ट ड्रॉप इट एंड डू समथिंग एल्स अच्छा इनिशियली आपको एक आधी अटैम्प्ट लग गई कोई मसला नहीं है आप नेक्स्ट स्टेज पे आ गए जिसके अंदर आपने बहुत हार्ड वर्क करके जल्दी से जल्दी पास करना है बिकॉज द मिडिल स्टेज इज रियली इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ अटैम्प्स आपके लिए लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ अटैम्प्ट अब मैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया को सेपरेट ब्रेक नहीं कर रहा बट सेंशली अगर मैं बात करूँ तो ये इम्पॉर्टेंस इसलिए है कि आर्टिकलशिप के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है हर फर्म का क्राइटेरिया अपना होता है आर्टिकलशिप का बट द टॉप फर्म्स, द बिग फर्म्स बिग फोर हो गई बिग टेन हो गई दे प्रिफर कैंडिडेट्स वीच आर लेटेस्ट लाइक वो बिल्कुल फ्रेश हों लाइक बिल्कुल वो यू नो फर्स्ट अटैम्प्ट पास करके आऊँ दे प्रिफर दो कैंडिडेट्स पाकिस्तान की बात कर लो स्पेसिफिकली मैं यहाँ तो पे तो वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं डिफरेंट फॉर्म्स की उसके अंदर वो लास्ट दो तीन बैचेज़ के कैंडिडेट्स ही देख रहे होते हैं यूजअली रेफरेंस uh, वाले अलग हैं डोंट कंसिडर दैम हेयर बट मैं एक नॉर्मल मेरिट वालों की बात कर रहा हूँ यार लास्ट दो तीन अटैम्प्स को देख रहे होते हैं मैक्स तो उस केस के अंदर आप बहुत पुराने हो गए तीन चार साल लाइक पाँच छः अटैम्प्ट आपने दे के एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दे बैठे होते हैं इट्स ट्रबल टू तो फाइंड अ गुड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीए की जर्नी के अंदर टू तो फाइंड अली रियली गुड फर्म क्योंकि फर्म की जर्नी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फॉर लॉन्ग टर्म करियर एंड वेस्ट तो इंपॉर्टेंस जो है ना नंबर ऑफ अटैम्प्ट की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इन दिस केस लिमि ऑफ योर जर्नी बिफोर आर्टिकलशिप आर्टिकलशिप से पहले जो भी स्टेज है सेकंड आप उसमें पूरी जान मार दो कि आई नीड टू पास इट ट्राई नाव नो एक्सक्यूजिज क्योंकि आई नो प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छे लोग थे वेरी स्मार्ट दे डिज़र्व बिफोर उन्होंने बाकी स्मार्ट फर्म्स में भी ग्रो किया बाद में बड़े अच्छे तरीके से लेकिन दे वन गेट चांस इन बिग फर्म्स बिकॉज उनके अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा लग गई थी एग्जाम्स के अंदर एंड दे हैड टू गो टू एरेटेड फर्म्स छोटी फर्म्स के अंदर जाके ग्रो करना पड़ा उनको तो हैपीस सो इंपॉर्टेंस क्लियर हो गई आपको लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ कि इंटरिम स्टेज पे भी जो है ना एक आदि दो अटैम्प्ट चल जाता है मैंने आपको बताया कि दो तीन अटैम्प्ट ठीक है लेकिन अगर आप दो तीन साल लगा रहे हो इन एडिशन टू दी दी आइडियल पीरियड दैट्स अ प्रॉब्लम इस केस के अंदर ये नहीं बोलूंगा अगर आप ड्रॉप कर दो बिकॉज इट्स एज डिफिकल्ट डिसीजन इट डिपेंड्स ऑन यू आपको क्या करना है क्योंकि आप सी ये इंटर प्लस आर्टिकलशिप की बात जॉब कर सकते हो एंड डू द क्वालिफिकेशन एज वेल अच्छा आप बात करें फ़ाइनल स्टेज में फाइनल स्टेज पे बहुत इंपॉर्टेंट है आप टाइमली पास करो बिकॉज यू वांट टू अर्न बट वहाँ पे आर्टिकल्स वहाँ पे जो अटैम्प्ट आफ्टर आर्टिकल्स जो ना अटैम्प्स की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है द रीज़न इज़ आप बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे अटम्प्स जल्दी क्लियर करने के लिए बिकॉज यू वांट गुड आर्टिकलशिप अच्छी जगह पे उसके बाद आप यू you, अटैप्ट की इंपॉर्टेंस अभी भी है यू वॉन्ट टू क्लियर दैम बट उतनी नहीं है थोड़ी सी कम हो जाती है बिकॉज यू नो यूर सिक्योर आपने एक अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया एंड यू विल इवेंचुअली पास द एग्जाम्स बट अगेन यू हैव टू पास द एग्जाम्स इवेंशुअली और उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एंड अटैम्प्ट अगेन आई इम्पॉर्टेंट कि आप जल्दी से पास करो बिकॉज मनी मैटर्स फॉर मी इट वॉज आर्टिकल शिप तक मेरी कोई अटैम्प्ट लाइक आई वॉज पासिंग आइडियल लाइक आइडियल टाइम मुझे कोई इशू नहीं हुआ था मैं जब आर्टिकलशिप में था तो आई है पास अगेन आइडियली एंड मेरा पैसा स्टैप एंड जिसको बोलते हैं वो कैप इनक्रीजिंग आफ्टर वन पॉइंट फाइव ईयर मेरे पेपर पास करता गया मेरी स्टैपेंड इंक्रीज़ होती गई है एंड टू पॉइंट फाइव ईयर द शिप आई वॉज अर्निंग द मैक्सम स्टेपेंड अमाउंट और मेरा अपना खर्च निकाल रहा था लाइक like, उससे पहले भी निकाल रहा था आफ्टर शिप एंड आफ्टर क्वालिफिकेशन आवर सेविंग एज वेल तो कहने का मकसद है कि उस टाइम पे मनी इज़ अ मोटिवेशन टू पास यू एग्जाम्स तो आप वो उस टाइम पे अटैम दे बात करूँ मैं जॉब मार्केट के अंदर इंटरनेशनल पहले इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इंटरनेशनल जाना चाहते हैं दैन हम लोकल जॉब मार्केट की बात करेंगे तो इंटरनेशनली बात करूँ मैं अगर एक क्वालिफाइड बंदा हूँ विथ थ्री फोर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फम अगर मुझे उससे पहले दो तीन अटैम्प एक्स्ट्रा लग गई थी आई डोंट केयर नो बडी केयर्स आपका वो एक्सपीरियंस वैसे भी बन रहा है स्पेशली फॉर इंडियन गायल्स जो खुद को सी ए फ्रेर बोलते हैं तो आर्टिकल शिप द आर्टिकल शिप एक्सपीरियंस काउंट्स एज एज एट योर वर्क एक्सपीरियंस मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी इस बारे में इफ़ यू हैवन सीन दैट बट अगर आप इवन अन क्वालिफाइड फॉर्म में आपने पाँच साल कर लिए एंड देन यू क्वालिफाइड तो आपको पाँच साल का एक्सपीरियंस बन चुका है सो आफ्टर क्वालिफिकेशन अगर आप इवन फर्स्ट अटैम्प्ट क्वालिफाइड हो या आप फाइव टाइम्स मोर अटैम्प्ट लाए कि पाँच छः अटैम्प्ट ला ज़्यादा लगा के क्वालिफ़ाई किए हो इन इन द एंड अगर आप भाई की एक जॉब आ रही है वो चाहते हैं कि क्वालिफाइड बंदा हो और एक्सपीरियंस हो कम से कम तीस से चार साल का बहुत ऑफ यू एलिजिबल डिफरेंस क्या आया डिफरेंस ये आ फर्स्ट सेटन वाला शायद पहले निकल जाए एंड देन आप जब पेपर पास करो तो निकल जाओ तो यू विल गेट द सेम अपॉर्चुनिटी मोस्टली कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि आप लोकली ग्रो करके मैनेजर बन गए फर्म के अंदर आप मैनेजर चले गए वहाँ पे कहीं बाहर हो सकता है बट यूजली हैपेंस कि आपको जो फर्स्ट वाला है उसको थोड़ा सा एज मिल जाता है कि यार दे स्टार्ट देयर करियर जर्नी अब्रॉड मच देन देन लोकली तो उससे फर्क पड़ता है अच्छा अब बात करें लोकल मार्केट के अंदर क्या सीन है लोकल मार्केट के अंदर सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं ठीक है बाहर ये होता है कि क्वालिफाइड जाते हैं बिकॉज बिकॉजाइड क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड या फिर क्वालिफिकेशन इज़ प्रिफर्ड बट लोकल मार्केट के अंदर हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है आप जाओगे अनकॉलीफाइड या जो है पीपल हो टेकिंग मोर अटैम्प्ट तो वो अपनी आर्टिकलशिप के बाद आपको इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे एज स्पार्ट अनकॉलीफाइड तो वहाँ पर थोड़ा सा कम सैलरी मिलेगी तो अटैम्प्ट से आपकी सैलरी इम्पैक्ट हुई है Uh, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अटैम्प आपकी सेल्ली इम्पैक्ट हुई आपका रोल जो है वो आपको इतना अच्छा ना मिले बिकॉज मे बी गुड फॉर गुड रोल्स अगर आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है रिक्वायरमेंट थी तो उससे आपका ये हुआ तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट जब आप पास हो गए उसके बाद अगेन आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा प्लस वॉट क्वालिफिकेशन यू हैव इन द एंड वो एक्सपीरियंस अगर आपने बहुत अच्छा ले लिया था ओवर द ईयर्स बिफोर क्वालिफिकेशन तो दैट शुड बी प्रॉब्लम वो कहने का मकसद ओवरऑल क्वालिफिकेशन लैक ऑफ क्वालिफिकेशन बेसिकली क्रिएट सम बैरियर्स आपके करियर के अंदर आपका करियर थोड़ा लेट स्टार्ट होता हैट इन टू दैट जर्नी बट लॉन्ग टर्म में यू कैन ओवरकम दैट बिकॉज आई हैव सीन पीपल हुआ आर डूइंग मच वेल उन्होंने स्टार्ट थोड़ा लेट किया उनको डिले हुआ क्वालिफिकेशन के अंदर बट दैन दे कैश अप जो भी उनका प्रोसेस था देट लाइक आई नो पीपल इन आयरलैंड यू के देर से स्टार्ट किया एंड दैन एक्सपीरियंस उतना अच्छा लिया था तो दे केम एम एज असटेंट मैनेजर डायरेक्टली लाइक एम थ्री एंड देन मैनेजर नेक्स्ट से बन गए तो दे आर इक्वली कंपेटिंग विद द पीपल जो उनके बैच के थे ऑलमोस्ट देर थे तो यू you नो know, ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया कहने का मकसद ये है बट आर्टिकल आर्टिकलशिप जो पहले जो है ना नंबर ऑफ अटैम्प्टज रियली रियली मैटर आई थिंक आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है बहुत अच्छा फॉर योर ग्रोथ फ़ॉ योर लॉन्ग टर्म जर्नी और वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिल पाता अगर आपने टाइम पर अपनी क्वालिफिकेशन के पेपर्स नहीं पास किए देन देट बिकम्स अ इशू खैर उसको भी नेविगेट करने के तरीके हैं अगर आपने छोटे फर्म में काम किया स्मॉल मीडियम फर्म में तो उसको भी नेविगेट करने के तरीके हैं उसको एक अलग वीडियो में मैंने एक्चुअली चार अलग वीडियोज में मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है तो आपको देखना और बाकी कॉमेंट करना कैसी लगी वीडियो सजेस्ट टॉपिक्स इज़ वेल थैंक सो मच